प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मुद्दा है धर्म परिवर्तन का, और आजकल बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। मैं भी आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा। एक प्रभु की बेटी है जिसने बहुत ही हियाव के साथ पूछने वालों को जवाब दिया है। बात है धर्म परिवर्तन की, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि धर्म क्या है और परिवर्तन क्या है। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमेसी। आगे चलते हैं, और आज हम धर्म परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर, लेकिन एक ऐसा अब चारों तरफ ऐसा माहौल सा बना हुआ है और देखकर कुछ अजीब सा लगता है कि क्या हो रहा है, ये खासतौर से इंडिया में क्या हो रहा है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। तो ये बात जानने की बहुत ज़रूरत है कि धर्म परिवर्तन है क्या। मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, थोड़ा वचन से भी मैं बातचीत करूंगा कि धर्म क्या है और परिवर्तन क्या है। तो आइए एक वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि एक लड़की है जो कोई व्यक्ति है उससे पूछ रहा है बहुत सारे सवाल, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग है। उसने इनकार नहीं किया प्रभु यीशु मसीह का। इनकार के बारे में इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो आइए पहले वीडियो देख लीजिए। ये लड़की का नाम है किरण, और ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रही है भाई। ये प्यार का उपहार, ये क्रिश्चियनों की जो बुक है ना, ये बांटती हुई घूम रही है। कहाँ से आए हो आप? सापला में। किन का है ये? वाल्मीकि मोहल्ले। वाल्मीकि मोहल्ले में? वाल्मीकि में है? क्रिश्चियन धर्म अपना रखा आपने? नहीं, कोई धर्म नहीं भैया, ये मन को परिवर्तित करता है। मन को परिवर्तित, ये क्रिश्चियन धर्म है? धर्म नहीं है भैया जी, आपने पढ़ा इसके? नहीं, मैं सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। आपने सनातन धर्म के बारे में पढ़ा है कभी? मैंने किसी धर्म के बारे में नहीं पढ़ा। मैंने तो फिर आप इनका प्रचार क्यों कर रहे हो? दिखाओ और कितने हैं। मैंने ये पढ़ के परमेश्वर को जाना है। दिखाओ कितनी सारी है और कितनी है? मेरे पास तो जितनी है बहुत सारी। दिखाओ फिर, कहाँ पे आपका मकान, कहाँ पे है? चलिए मेरे पास, आप घर ले लावे सभी दे दो मुझे। और है? मैं आपको अपने घर लेकर चलती हूँ। मैं आऊँगा। आपका नाम किरण है ना? हाँ जी। वाल्मीकि मोहल्ला में? हाँ जी। और बाकी ये सारी दे दो जितनी भी है। बाइबल नहीं दे सकते आपको, ये वचन। ये क्या है? ये भी इसके अंदर। बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर के वचन जो हमें जिंदा रखते हैं। अच्छा, परमेश्वर केवल रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के जीवित वचनों से रहता है। मैं अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फुर्सत में मिलूंगा आपसे, मैं वहीं आ जाऊँगा वाल्मीकि मोहल्ले। पिताजी का नाम क्या आपके? का सूरज बान है। सूरज बान, आपके पिताजी सनातन धर्म से हैं? मेरा चाहे कोई भी परिवार किसी भी धर्म से, पर मैंने प्रभु को मान के शांति को पाया। किसने? आपने? ऐसा है छोटी बहन, मैं बताऊँ आपको, आप है ना मतलब सनातन धर्म के विषय में जानते नहीं, आप दूसरे को नहीं जानते। एक अधर्म को जानते। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, आप मतलब आपकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया, आप अधर्म का प्रचार करते हुए घूम रहे हो। कभी सनातन धर्म के बारे में जानो। ये धर्म का प्रचार नहीं, ये मन परिवर्तन का प्रचार। नहीं 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 नहीं, आप मेरे से हजार बार पूछोगे तब भी मैं आपको यही बोलूंगी। चलो फिर ठीक है, फिर मैं बहस ही नहीं करूंगा आपसे। मन का? चलो ठीक है। और है आपके पास ऐसी? नहीं है मेरे पास। सांपला में बांटते हो और कहाँ पे बांटते हो आप? अभी तो मैं सांपला में हूँ, तो सांपला में। चलो ठीक है, जाओ आप। परमेश्वर आपको आशीष करो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर जो प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये लड़की डरी नहीं, इसके चेहरे पर कहीं पर भी डर की एक भी रेखा नजर नहीं आ रही, वो हियाव से जवाब देती रही। और यही हियाव हम सबके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, डरने की ज़रूरत नहीं। मर जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, अगर इकरार में मर गए तो हमें स्वर्ग मिलेगा। मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको कि एक राजा ने तीन पास्टर को पकड़ा जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, और उसने उनको बुलाकर कहा कि आप लोगों को मना किया है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर प्रचार नहीं करना, जो ऐसा प्रचार करेगा वो मार डाला जाएगा, आपको पता नहीं है, अब आप मार डाले जाओगे। जल्लाद को बुलाया और वो तलवार लेकर खड़ा हुआ था जल्लाद, और राजा ने कहा इनसे आखिरी बार और पूछ लो, इनको एक मौका और देते हैं। तो पहले पास्टर से पूछा, क्या आप यीशु मसीह का प्रचार करोगे? इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। अब जल्लाद ने ऐसे देखा कि एक ताज आ रहा था ऊपर से, जैसे उसने मना करा वो ताज ऊपर चला गया।
फिर उसको छोड़ दिया गया। फिर दूसरे से पूछा, आप करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार? ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। जल्लाद ने फिर ऊपर देखा, एक ताज आ रहा था, लेकिन जैसे उसने मना करा वो ताज वापस चला गया, उसको भी छोड़ दिया गया। फिर तीसरे से पूछा, क्या आप यीशु मसीह का प्रचार करोगे? उसने कहा नहीं मैं भी नहीं करूँगा, मुझे बख्श दो। तीनों ने अपनी जान की भीख मांगी और वहाँ से चले गए। जब तीसरे से पूछा गया तब जल्लाद ने फिर देखा कि एक ताज आ रहा है ऊपर से, और जैसे उसने इनकार किया वो वापस चला गया। जल्लाद ने क्या किया, तलवार को यूं फेंका दूर और घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं करूँगा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, मैं करूँगा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, क्योंकि मुझे सांसारिक ताज नहीं, मुझे वो ताज चाहिए जो स्वर्ग से ऊपर से स्वर्ग के ऊपर से उतर कर आ रहा है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। इन लोगों ने इनकार कर दिया तो वो ताज वापस चला गया। वचन में देखते हैं क्या लिखा है इस विषय में। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 10 पद को देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। और अंत में देखिए क्या लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक, हाँ मैं करूँगा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, हाँ मैं करूँगा। एक बहुत अच्छा गाना है, हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही हूँ, मरते दम तक कहें हाँ मैं मसीही हूँ, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। मारना है मार डालो, मार डालो, हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। प्राण देने तक विश्वासी रहें तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। बहुत सारे संकट क्लेश हमारे पर, अभी तो कुछ भी नहीं है और भी ज़्यादा इसके साथ होने वाला है, इससे भी ज़्यादा हमारे साथ होने वाला है, अभी उसके लिए हम लोग तैयार रहें। बात हो रही है धर्म परिवर्तन की। हम देखेंगे धर्म क्या होता है, धर्म किसको कहते हैं। धर्म है, हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय और उसके 1 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ अब्राहम ने लिख कहा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुँचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क के एलीएजर होगा, तो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जा के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब सुनिए 6 पद में क्या लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धर्म गिना, धर्म गिना। उसने विश्वास किया यहोवा के ऊपर और यहोवा ने उसको क्या लिख दिया, धर्म लिख दिया। और धर्म जो होता है वही विश्वास होता है, विश्वास जो होता है वही धर्म होता है। सिर्फ विश्वास बदला जाता है, धर्म नहीं बदला जाता, विश्वास बदला जाता है। हम यीशु मसीह ने कभी भी किसी का धर्म नहीं बदला, जैसे वो लड़की बोल रही है कि धर्म नहीं बदला है, हमारा विश्वास बदला है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि मान लीजिए कि मुझे कोई बीमारी है और मैं कैप्सूल गोलियां खा रहा हूँ और मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा, कोई आराम नहीं मिल रहा। और इतने में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसको भी, उसको भी वही बीमारी थी, और वो आकर कहता है, ब्रदर ये आप क्या कर रहे हो, मैं आपको देता हूँ अच्छी सी दवाई। और वो क्या करेगा, एक लिक्विड मुझे ला कर देगा, एक शीशे ला कर देगा कि ब्रदर आप ये लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और मैं उसको लेते ही ठीक हो जाता हूँ, तो मेरा विश्वास फिर गोलियों या कैप्सूल पर नहीं, उस लिक्विड पर हो जाएगा। अगर दोबारा वो बीमारी अगर मुझे होगी तो मैं वो कैप्सूल और गोलियाँ नहीं खाऊँगा, मैं वो लिक्विड लूँगा, वो सिरप लूँगा। ये होता है परिवर्तन। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि धर्म क्या है। एक विश्वास है, विश्वास बदला जाता है, धर्म नहीं बदला जाता। बदलना, परिवर्तन होना, हमारा विश्वास
परिवर्तित हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर। तो हाँ, भारत का तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें बताता है, यहाँ का जो विधान है, यहाँ का जो संविधान है अनुच्छेद 25 और 26, कि हम यहाँ पर आज़ादी से किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म का प्रचार यहाँ पर कर सकते हैं, हम कहीं पर भी खड़े होकर प्रचार कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता हमको, क्योंकि भारत के संविधान में ये लिखा है। ये प्रचारकों को सोचना चाहिए, और मैं तो उन प्रचारकों को सलाह देना चाहूँगा जो सड़कों पर प्रचार करते हैं, वो थोड़ा सा सजग हो जाएं, सावधानी से इस कार्य को करें, क्योंकि शैतान मौका नहीं चूकता, वो मौका नहीं चूकेगा और आपके ऊपर अटैक करेगा। इसलिए बहुत सावधानी से काम करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो मसीही कहलाते हैं, जो प्रभु के कहलाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना है। लोग आएंगे हमारे घर में, जला देंगे हमारे घर को, जला देंगे हमारी बाइबल, जला देंगे, हमें मारेंगे, हमारा मर्डर तक कर देंगे। हमें कुछ नहीं बोलना, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, उनसे प्रार्थना करनी है, और क्या करना है, विश्वासी बने रहना है, ताकि वो जीवन का मुकुट हमको मिल जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड।